तो आज हम संजय दत्त की आने वाली 10 बड़ी फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 2023 से लेकर 2025 तक आने वाली हैं। संजय दत्त की काफी सारी फिल्में आने वाली हैं, कुछ ऐसी फिल्में भी आ रही हैं जो बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने वाली हैं। संजय दत्त कुछ फिल्मों में हीरो दिखाई देने वाले हैं और कुछ फिल्मों में विलन दिखाई देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी कौन कौन सी फिल्में आने वाली हैं। लाइक का बटन दबा दीजिए, शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है लियो। लियो संजय दत्त की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक फिल्म है। ये फिल्म एक गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको लोकेश कनगराज जैसे जबरदस्त डायरेक्टर डायरेक्ट करने वाले हैं। इस फिल्म के लीड रोल में विजय, संजय दत्त, त्रिशा, अर्जुन सज्जा के साथ कई बेहतरीन एक्टर दिखाई देने वाले हैं। फिल्म में संजय दत्त विजय के फादर के रोल में नजर आएंगे। दोनों इस मूवी में गैंगस्टर होने वाले हैं। संजय बाबा लियो में काफी खतरनाक किरदार में दिखाई देंगे। ये पैन इंडिया फिल्म इस साल 19 अक्टूबर को रिलीज होगी। नंबर 9 पर है मूवी बाप। ये फिल्म एक मल्टी स्टारर एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें 80 और 90 के दशक के एक्शन सुपरस्टार एक साथ दिखाई देंगे। फिल्म की लीड कास्ट में संजय दत्त के साथ सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ दिखाई देने वाले हैं। बाप फिल्म में हमको जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है। इस फिल्म में ये चारों एक्टर मजदूर के किरदार में दिखाई देंगे। इस फिल्म को विवेक चौहान ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी को जी स्टूडियोज और अहमद खान ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये फिल्म या तो इस साल के एंड में नहीं तो 2024 तक थिएटर्स में देखने को मिलेगी। नंबर 8 पर है जन्मभूमि। ये फिल्म राम मंदिर के ट्रायल पर बन रही एक कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म है, जिसमें संजय दत्त और सनी देओल एक साथ दिखाई देने वाले हैं। फिल्म को मनोज नेहटा डायरेक्ट करेंगे। फिल्म में ये दोनों एक्टर्स वकील के रोल में दिखाई देंगे, जो कि एक दूसरे के खिलाफ वकालत करते दिखाई देंगे। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म की शूटिंग इसी महीने से शुरू हो जाएगी। वहीं ये फिल्म साल 2024 में थिएटर्स में रिलीज होगी। नंबर 7 पर है मूवी वर्जिन ट्री। ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी, जिसको सिद्धार्थ सचदेव डायरेक्ट करेंगे। इस मूवी के लीड रोल में संजय दत्त के साथ सन्नी सिंह, मोनी रॉय और पलक तिवारी दिखाई देने वाली हैं। इस फिल्म को संजय दत्त और दीपक मुकुत मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। हॉरर और कॉमेडी से भरी इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। फिल्म का एक छोटा सा टीजर भी आउट हो चुका है। ये फिल्म हमें 2023 के एंड में नहीं तो हमें 2024 की स्टार्टिंग में देखने को मिल सकती है थिएटर्स में। नंबर 6 पर है मूवी घुड़चड़ी। ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी, जिसका डायरेक्शन विनय गांधी जी कर रहे हैं। फिल्म में संजय दत्त, रवीना टंडन, पार्थ सामंत और खुशाली कुमार लीड रोल में नजर आएंगी। संजय दत्त और रवीना टंडन एक साथ इससे पहले KGF चैप्टर 2 में नजर आए थे, जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तबाही लाई थी। तो देखते हैं कि इनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करती है। ये फिल्म 2023 में आने वाली है। इस मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। फिल्म का एक छोटा सा टीजर भी आउट हो चुका है। नंबर 5 पर है मूवी केडी द डेविल। ये फिल्म एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म होगी, जिसको प्रेम डायरेक्ट कर रहे हैं। इस मूवी में संजय दत्त मेन विलन के रोल में नजर आएंगे। KGF 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद ये संजय दत्त की दूसरी कन्नड़ फिल्म है, जिसमें वो खलनायक के किरदार में दिखाई देंगे। इस फिल्म में ध्रुव सरजा, संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, आरवी चंद्रन जैसे एक्टर दिखाई देंगे। फिल्म में ध्रुव सरजा एक गैंगस्टर के रोल में दिखाई देंगे। केडी का एक टीजर भी आ चुका है, जिसमें हमको बैकग्राउंड में संजय दत्त की दमदार आवाज सुनने को मिली थी। टीजर से सभी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। ये फिल्म 2024 में कन्नड़ के साथ तमिल, मलयालम, तेलुगु और हिंदी भाषा में आने वाली है। नंबर 4 पर है अनटाइटल मूवी। ये फिल्म संजू बाबा की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। इस मूवी का टाइटल अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी, जिसमें कई सालों बाद संजय दत्त और अरशद वारसी एक साथ दिखाई देंगे। फिल्म को सिद्धांत सचदेव डायरेक्ट करने वाले हैं। ये फिल्म पूरी तरह से कॉमेडी से भरी होने वाली है, जिसका एक पोस्टर भी आया था, जिसको सभी से काफी प्यार मिला था। इस अपकमिंग कॉमेडी फिल्म की शूटिंग इस साल से शुरू हो जाएगी। वहीं ये फिल्म 2024 तक सिनेमाघरों में दस्तक देगी। ये किचन है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। पता नहीं घर में किचन क्यों बनाते हैं।
नंबर 3 पर है मूवी डबल स्मार्ट। ये फिल्म 2019 में आई सुपरहिट फिल्म स्मार्ट शंकर का सिक्वल होगी। इस फिल्म को हिंदी ऑडियंस से भी जबरदस्त रिस्पांस मिला था। डबल स्मार्ट फिल्म साइंस एक्शन मास एंटरटेनर फिल्म होगी, जिसको पूरी जगन्नाथ डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने पहले पार्ट को भी डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के लीड रोल में राम पोथिनेनी और संजय दत्त दिखाई देंगे। इस फिल्म में संजय दत्त विलन के रोल में नजर आएंगे। इनके कैरेक्टर का नाम बिग बुल होने वाला है, जिसका फर्स्ट लुक पोस्टर आ चुका है, जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रहा है। डबल स्मार्ट फिल्म तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषा में 8 मार्च 2024 को आने वाली है। नंबर 2 पर है मूवी राजा डीलक्स। ये फिल्म भी एक पैन इंडिया फिल्म होगी, जिसमें संजय दत्त एक काफी खास रोल में नजर आने वाले हैं। ये मूवी में किस रोल में दिखाई देंगे ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि संजय दत्त इस फिल्म में विलन के रोल में नहीं होंगे। ये फिल्म एक मीडियम बजट की हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी, जिसको मारुति डायरेक्ट करेंगे। इस फिल्म में प्रभास, मालविका मोलन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार जैसी एक्ट्रेस दिखाई देने वाली है। ये फिल्म 2024 तक थिएटर्स में देखने को मिलेगी। नंबर 1 पर है 2 मूवीज, वेलकम टू दी जंगल और हेरा फेरी 3। वेलकम टू दी जंगल फिल्म एक एडवेंचर कॉमेडी फिल्म होगी, जिसके लीड रोल में अक्षय कुमार, संजय दत्त, अरशद वारसी, प्रेस रावल, सुनील शेट्टी, जैकलिन फर्नांडिस, दिशा पाटनी, रवीना टंडन और लारा दत्ता दिखाई देने वाली हैं। फिल्म को ग्रेट डायरेक्टर अहमद खान डायरेक्ट करेंगे। ये फिल्म वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म होगी। वेलकम 2007 में आई थी, वहीं वेलकम बैक 2015 में आई थी। दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया कलेक्शन किया था। वेलकम 3 क्रिसमस 2024 को रिलीज होगी थिएटर्स में। टिकट नहीं चाहिए, देने रहा हूँ, मांग रहा हूँ, अरे टिकट देना उसको। फिर है मूवी हेरा फेरी 3। ये फिल्म बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म में संजय दत्त एक अलग किस्म के रोल में दिखाई देंगे। फिल्म में संजय दत्त एक अंधे डॉन के रोल में दिखाई देंगे, जो कि रवि किशन के दूर के भाई होंगे। जी हाँ, ये फिल्म बॉलीवुड की कल्ट क्लासिकल कॉमेडी फ्रेंचाइजी हेरा फेरी की तीसरी फिल्म होगी। हेरा फेरी 2000 में रिलीज हुई थी, वहीं 2006 में फिर हेरा फेरी आई थी। दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट गई थी। हेरा फेरी 3 में हमेशा की तरह अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और प्रेस रावल दिखाई देंगे। वहीं विलन के रोल में संजय दत्त दिखाई देने वाले हैं। ये फिल्म 2024 नहीं तो 2025 तक आने वाली है। नाम का है तेरा बाबू भैया? बाबू भैया मेरा नाम है, तेरा नाम कैसे रखता है? जैसे कि आप सभी को पता है, सनी पाजी की गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन कर रही है। यहाँ पर क्लिक करके आप लोग सनी पाजी की आने वाली फिल्मों की जानकारी ले सकते हैं। तो ये थी संजय दत्त की आने वाली टॉप 10 फिल्में। तो आप सभी लोग किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और कोई भी टॉपिक का सजेशन हो तो प्लीज लिखकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।